Good morning friends, welcome to PD classes. Today we have a very important session for all of you based on liver. I hope students ki bahut se bachchon ki curious thi ki sir aap medical representative ke bahut se videos dal rahe hain, to maine kaha kyun na hum ek particular doctor ko invite kare aur wo aapko guidance de that what you are supposed to study in these things. So today we have Dr. Akansha in front of us. Hello doctor, how are you? Hello, I'm good sir. So doctor, I'm also fine. Doctor, today we have a very interesting topic and the topic name is liver. And we want from you that you should elaborate each and everything. और मैं अपने students को भी guidance दे दूँ कि students मैंने आपको digestive system दिया था. उस digestive system के अंदर मैंने आपको बताया था कि liver ही bile juice provide करता है small intestine को. Small intestine में जो bile juice जब जाता है, तो what happens? वहाँ पर fat absorb हो जाता है, right? तो fat का absorption liver के वजह से ही होता है. इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए तो हम डॉक्टर को इनवाइट करें उससे पहले. इट इज ऑलमोस्ट 1.5 kg एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड आई कैन से हैवीएस्ट ग्लैंड आल्सो इंक्लूडिंग लार्जेस्ट एज वेल एज हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. दो बातें मैंने आपको इंटरेस्टिंग बताई. रेडिश ब्राउन कलर का है. इसके अलावा लीवर जो हमारी बॉडी में है ये डाइजेस्टिव डाइजेशन का एक पार्ट है, यानी कि हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है. क्यों देखते हैं हम कुछ बातें डॉक्टर से सीखते हैं. यस डॉक्टर, आई वांट यू टू एलैबोरेट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट लीवर इज एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ लीवर लुक्स लाइक. ओके सो दिस इज द सुपीरियर सरफेस, द फ्रंट सरफेस ऑफ द लीवर. राइट. इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. राइट. बाय अ लिगामेंट एट द अपर, इट इज नोन एज कोरोनरी लिगामेंट. एज इट proceed downwards, it is known as falciferum ligament. And this ligamentum teres, basically it comes from the behind. There is a bare area of the liver, right? And it comes from the behind, so this is known as ligamentum teres. Okay. And this is the gallbladder. Gallbladder is a part of liver itself? Yes sir, it's a part of liver. Okay, liver jo bile juice banata hai wo store ho jata hai gallbladder se aur yahan se transfer hota hai small intestine mein taki digestion mein fat mein benefit mile. इसके साथ साथ आपने स्टूडेंट नोटिस भी किया होगा कि डॉक्टर कई बार स्टोन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो एट दैट मोमेंट वी नो दैट या तो वो गॉलब्लैडर को रिमूव करते हैं, गॉलब्लैडर में आता है या फिर किडनी में भी आ जाता है, यूरेटर्स वगैरह में आता है, तो उस दौरान गॉलब्लैडर को टोटली रिमूव कर देते हैं. यस सर, ये टोटली रिमूव हो जाता है. इसीलिए कई बार क्या होता है हमारा मतलब इसके बाद रिमूव करने के बाद कोई और स्पेसिफिक मतलब हमारे पास अल्टरनेट नहीं है कि कुछ गॉल ब्लैडर का काम करे, तो फिर इसलिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. हार्मोनल लेवल इंबैलेंस हो जाता है, कई बार डाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली क्योंकि हमारे पास कुछ स्टोरेज के लिए है ही नहीं जिसमें हम स्टोर करेंगे बिलिरुबिन वगैरह. मींस फैट का व्यक्ति को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है फैट ईटिंग पर. यस सर. ओके, चलिए हम थोड़े टॉपिक्स पर आते हैं कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि लीवर चीज क्या है. क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आप जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं डेफिनेटली दे आस्क यू ऑल साइंटिफिक क्वेश्चंस, और उम्मीद है हमने आपको सारे सिस्टम्स बता रखे हैं बॉडी के, ऑलमोस्ट आपको पार्ट्स बता रखे हैं. आपने किडनी हमसे सीखा, आपने इवन डायबिटीज वगैरह के बारे में हमसे सीखा, आप जितनी भी चीजें सीख रहे हो, तो आई होप ये जो लीवर पार्ट है जब ये सीख लोगे तो ऑब्वियस है कि डॉक्टर्स वगैरह बहुत सी आज कंपनीज लीवर टॉनिक्स बहुत लेकर आ रही है, तो दे आस यूजली कि लीवर आपने सुना है बॉडी में, तो आप अच्छे से बता पाओगे कि लीवर होता क्या. तो हम ऑलरेडी एक टॉपिक लेकर आए हैं इसके कुछ फंक्शंस, जिसके अंदर सबसे पहला वर्ड है फिल्टर ब्लड. ये डॉक्टर किस तरीके से होता है? सर, लीवर में एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा ब्लड फिल्टर होता है एंड पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है. ओके, एंड व्हाट अबाउट द वर्ड व्हिच इज अटैच्ड विद बिलिरुबिन, व्हाट डज इट मीन? सर, बिलिरुबिन इज अ कंपोनेंट दैट लीवर मेक्स एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. एंड ड्यू अगर इफ एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में बिलिरुबिन हो जाए तो दैट विल कॉज जॉन्डिस. We'll study this further. No problem. So another is detoxifies chemicals. तो देखते हैं डॉक्टर से ये भी पूछा जाए कि वैसे तो टॉक्सिक का मतलब पॉइजनर होता है, but detoxifies हम समझ गए it is totally reverse of that. Yes doctor, what does it mean? सर, इसके अंदर लीवर के अंदर हमारे हिपेटोसाइट सेल होते हैं जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं कि कुछ भी हमारा अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी में या जो हम खा रहे हैं उसके अंदर है तो ये उसको डिटॉक्सिफाई कर सके. तो स्टूडेंट्स को मैं थोड़ी सी अपनी गाइडेंस देता हूँ. स्टूडेंट्स देखो, लीवर जो है उसमें एक तरफ तो ब्लड आता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ओर्टा से, अपने ने सर्कुलेटरी सिस्टम सीखा था. उसमें क्या था कि जो ब्लड आ रहा है दैट इज फ्रॉम आई थिंक आर्टरी एंड दैट नेम इज हिपेटिक आर्टरी, और जो यूज होने के बाद द पोर्टल वेन्स कैरीज इट. तो दो इंपॉर्टेंट कैपिलरीज मैं कहूंगा बॉडी के वो जो लीवर से अटैच्ड है वो कौन कौन से हैं? दे आर ओनली टू, वन इज हिपेटिक आर्टरी एंड अदर इज पोर्टल वेन. तो हर ऑर्गन का हम अच्छे से जानते हैं कि पहले वो ब्लड लेता है ऑक्सीजनेटेड, यूज करते हैं उसके सेल्स और ऑब्वियस है उसके बाद वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है और ऑब्वियस है वेन्स के थ्रू वो
बाहर जाता है. तो नाउ कम्स अनदर टॉपिक दैट इज मिक्स प्रोटीन. तो मैं डॉक्टर से पूछने से पहले आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि अगर हमने सेल टॉपिक आपने मेरे वीडियोस में सीखा होगा तो राइबोसोम्स इज अ प्लेस वेयर प्रोटीन्स आर बीइंग मेड. तो हमने ये सीखा है कि सेल्स कहां बनता है, सेल्स के अंदर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है. याद है आपको डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर मैंने आपको सिखाया था इट इज डाइजेस्टेड और आई कैन से अब्सॉर्ब बाय वेयर इट इज इन रेनिन एंड पेप्सिन. दो एंजाइम्स होते हैं जिनके नाम होते हैं रेनिन और पेप्सिन. ये स्टमक के अंदर होते हैं और यहाँ पे हमारा प्रोटीन डाइजेशन होता है. मगर यहाँ पर लिखा है कि प्रोटीन भी बनाता है तो थोड़ा डिफरेंस है. चलो डॉक्टर से पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है. यस डॉक्टर. सो मेनली इट मेक्स क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके. लाइक थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ सैंपल दिया ब्लड का और हमारे यहाँ पे इंजरी हुई, हमने प्रिक किया, ब्लड निकला, बट अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स ही हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और वो बॉडी से बाहर निकलता रहेगा. ये जो ब्लड क्लॉटिंग वाली डिजीज होती है ये एक शायद इसको कुछ बोले रहता है. इसमें ये होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता उस व्यक्ति का और ये शायद रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड में कुछ लोगों को है भी कि उनके ब्लड क्लॉट नहीं होता. तो ये एक प्रॉब्लम है यानी कि यस इसके अंदर डेफिनेटली प्लेटलेट्स का भी मेजर रोल रहता होगा. यस सर प्लेटलेट्स क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि ब्लड के तीन सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. आरबीसी आई बिलीव हीमोग्लोबिन जो हम अच्छे से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी आर द फाइटर्स फ्रॉम आउटर एनिमी. प्लेटलेट्स का रोल हम अच्छे से जानते हैं दैट इज यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. प्रोटीन इसीलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर को ये डेवलप करे. नेक्स्ट इज सीक्रेट्स बाइल जूस. यस इफ यू वांट टू एलाबोरेट समथिंग यू कैन. सो इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट फर्दर गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. ओके डॉक्टर मैं एक और बात जानना चाहूंगा आपसे कि लीवर सिचुएटेड कहां होता है, यानी कहते हैं रिब्स के अंदर होता है कवर्ड तो हम महसूस नहीं कर सकते कि लीवर कहां है. सर इसका मेजर पोर्शन रिब्स के अंदर होता है. वैसे इट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. ओके मतलब इन द राइट अपर लोब. राइट बट अगर हमें इसको मतलब देखना हो तो बट हम इसको फील कर सकते हैं बाय परकशन. ये हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एक टर्म है जिससे हम इसको मतलब फील कर सकते हैं. लाइक हम इसको ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे हम परकस करेंगे और हमें नोट सुनाई देगी. डॉक्टर क्या आपके स्टेथोस्कोप का भी कोई रोल रहता है इसके अंदर? नहीं सर ये हम वैसे भी फील कर सकते हैं. ओके सो दिस इज टू बी नोन एज बाइल जूस सीक्रेशन. हम अच्छे से समझ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो पैनक्रियास है और जो लीवर है इन दोनों का अपना अपना रोल है. पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस फैट को अब्सॉर्ब करता है, पैनक्रेटिक जूस ओवरऑल डाइजेशन में काम आता है. नेक्स्ट कम सर्टन डिजीजेस. कुछ ऐसे डिजीज है स्टूडेंट्स जो बड़ी कॉमन है लीवर की हमें जानना चाहिए. तो डॉक्टर आई वांट यू टू एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल हेपेटाइटिस व्हाट डज इट मीन एंड क्या कितने पार्ट्स के होते हैं. सर हेपेट मींस लिवर. यस आई एग्री इट्स अ ग्रीक वर्ड. यस सर इट्स अ ग्रीक वर्ड इट मींस लिवर एंड आइटिस मींस इंफ्लेमेशन. यस आइटिस. यस सर. ओके तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर दूं डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि स्टूडेंट्स किसी भी वर्ड के आगे चाहे टॉन्सिलिटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, तो यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर इंफ्लेमेशन, फेरेंज के अंदर इंफ्लेमेशन यानी आइटिस. अगर किसी भी वर्ड के आगे इंफ्लेमेशन है यानी कि उस पर इंफ्लेमेशन आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस लाइन के अंदर जरूर उस वर्ड के आगे आइटिस लिखा होगा. मगर अगर आप पूछे सर इंफ्लेमेशन क्या है, अगर आप यही पूछ लो तो मैं आपको बता दूं इट इज रिएक्शन ऑफ टिश्यू अगेंस्ट इंजरी और इन्फेक्शन. यानी कि अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो गई है या इन्फेक्शन हो गया. थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ पर थ्रोट के पास कुछ इन्फेक्शन बॉइल हो रहा था तो मुझे लग गया था इन्फ्लेमेशन है यार, मुझे डॉक्टर के जाना चाहिए. And he prescribed me some antibiotics, cefuroxime, and one painkillers, and I think serrasiopeptidase to remove swelling. तो ये जो swelling थी, ये जो दर्द था, pain था, heat थी उस जगह पर, loss of functions था, ये क्या था? These are the signs of inflammation. तो inflammation की कुछ signs होती है, जैसे loss of functions, heat, swelling, pain. ये जितने भी words हैं, ये सब words signs हैं किसके? Inflammation के. इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? जब आप मेरा एनएसआईडी टॉपिक देखोगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग टॉपिक देखोगे, जब आप निमेसोलाइड, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक ये कहां से बने, क्या चीजें हैं, जब इस टॉपिक को देखोगे आपको और अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा कि इन्फ्लेमेशन और कैसे होता है. तो मैं यहां पर ज्यादा टाइम ना लेकर मैं चाहूंगा डॉक्टर ने एक्सप्लेन करें हेपेटाइटिस वर्ड को. यस डॉक्टर. हेपेटाइटिस इज मेनली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर. ओके इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक हेपेटाइटिस ए बी डी ई बट मेन इज द हेपेटाइटिस बी. ओके मेन इज हेपेटाइटिस बी. ओके नेक्स्ट कम लिवर सिरोसिस. व्हाट डज इट मीन डॉक्टर? सर लिवर सिरोसिस इज मींस कि लिवर टोटली डैमेज हो गया, पेशेंट का नेक्रोटिक हो गया. ओके और इट इज मेनली ड्यू टू द एल्कोहल
कि जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। यस यस, हमने भी सुना है, ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा जो लीवर का जो लीवर डैमेज इसीलिए रीजंस होते हैं बिकॉज़ दे आर मोर ड्रंकर्स एंड ऑल दिस। ओके, सो बेसिकली नेक्रोसिस हो जाता है एंड इफ नेक्रोसिस हैपेंस इट इज दी मतलब जो सेल्स होते हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। राइट, फिर देन देयर इज नो रिवर्सल फॉर दिस। कोई ऑप्शन इसका? सीवियर केसेस में जब बहुत ज्यादा लीवर सिरोसिस हो जाए और काम करना बंद कर जाए तो हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। बट लीवर इज द ओनली ऑर्गन कि हमें सिर्फ छोटा सा पोर्शन ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है और ये पूरा रीजनरेट हो जाता है। वेरी गुड, कोई और ऑर्गन नहीं है। सही बोला डॉक्टर ने, इज द ओनली ऑर्गन, आपने सुना स्टूडेंट्स, व्हिच रीजनरेट्स इटसेल्फ। हमारी बॉडी का एक ही ऑर्गन है ऐसा। नेक्स्ट इज जॉइंटेस। यस डॉक्टर, व्हाट अबाउट दिस? सर, वेरी कॉमन पीलिया जिसको बोलते हैं। As I mentioned earlier, ki it produces bilirubin, liver produces bilirubin, right, and it is stored in the gallbladder. Yes. So, agar bilirubin ki quantity normal quantity se zyada ho jaye, right, then it will cause jaundice. Okay. So, major signs of jaundice is ki hamara jo sclera hai, hamari eye hai, wo yellow ho jayegi, palms yellow ho jayegi, skin ki discoloration ho jayegi, mucous membrane ki discoloration ho jayegi. So, iska best ilaaj kya hota hai? Yani ki best aapke hisab se? Sir, वैसे तो इन जो neonates और infants होते हैं उसके अंदर phototherapy देते हैं, light के अंदर बच्चे को रखते हैं, हमने देखा होगा। Okay. और वैसे जॉन्डिस का ट्रीटमेंट है कि बहुत ज्यादा फ्लूइड दिया जाए जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो बाहर आ जाए। Okay. लाइक यूरिन में और उसमें। राइट, व्हाट अबाउट द गॉलस्टोन्स? दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज। सर, इट इज मेनली हम एक निमोनिक बनाते हैं, एफ ओ, फैट फर्टाइल फीमेल इन 40s, मींस फैट लेडी, फैट 4F। यस सर, 4F मींस फैट, फैट फर्टाइल, फर्टाइल फीमेल, फीमेल हु इज 40 इयर्स ऑफ एज एप्रोक्सीमेटली। यस सर। ओके, so means this is those are suffering more, chances are yes, more, sir. Those. As comparison ratio mein, to they are suffering more. Okay. And next is, main phir bhi ek bar stone ke liye aapse puchna chahunga ki stone na ho hamari body mein, to iske liye precautions kya hai? Yani सो प्रिकॉशंस तो यही है कि अपना बिलिरुबिन वगैरह चेक करवाते रहो। okay. और स्टोन्स तो वैसे भी हम इसलिए कुछ मतलब प्रिकॉशन ले नहीं सकते। सर, इट इज द फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है जब कैविटी में। okay. तो हम उसको एसाइटिस का मेंशन कर देते हैं। okay. तो दिस इज द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन लीवर इटसेल्फ। हां, इट इज अ इन्फ्लेमेशन ओनली कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है इन सर्टेन वेज में। राइट, कि बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और इसके लिए हम असाइटिक टैप करते हैं पेशेंट में। ओके, लाइक वी पियर्स द कैविटी जिसके अंदर होता है। ओके, और हम एक ट्यूब के साथ एक बैग कनेक्ट कर देते हैं और एक नीडल डाल देते हैं अंदर जहां पे हमें असाइटिस फील हो रहा है। तो ग्रेविटी से वो सारा फ्लूइड खुद ही बैग के अंदर एक्युमुलेट हो जाएगा, देन उसके लिए उसके बाद हम उसको बायोप्सी के लिए भेज देंगे फर्दर देखने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव लर्न दिस टॉपिक एंड वी आर थैंकफुल टू डॉक्टर आकांक्षा फॉर गिविंग सच अ गुड नॉलेजेबल टॉपिक टू ऑल ऑफ यू। आई होप स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप हमारे वीडियोस को जाएंगे तो इवन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के हमने आपको 200 वीडियोस अबव वीडियोस दे रखी है। रादर देन दैट, अगर आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेफिनेटली आपको हमारे 1200 अबव वीडियोस मिलेंगे। तो होप यू आर एप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट्स व्हिच वी आर ट्राइंग बेस्ट। So I want that all of you should give best wishes.